वेलकम टू द वीडियो गाइस। टुडे इज आई थिंक 16 मार्च और मौसम बिल्कुल मस्त हो रखा है आज का और हम अपने जा रहे हैं कॉलेज। फर्स्ट क्लास तो मिस हो गई है, सेकंड क्लास ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले सोच रहे हैं कुछ बाहर से कुछ खा के चले, देखते हैं। अरे ये देखो गाइस, यहाँ पर क्या चल रहा है, पार्टी चल रही है। अच्छा तो भाई मैं तो क्लास लेने जा रहा था, मेरे को ये बंदे यहाँ पर मिले, चलो अब तो इस बहाने पार्टी हो जाएगी, कुछ खा लेते हैं। गाइस आपने क्या कराया है, पपीता? तो गाइस हम देखो, मैं आपको बता देता हूँ, हाँ एक हेल्दी एडवाइस देता हूँ, सुबह सुबह सबको पपीता जूस, मैंने बताया था ना अपनी मेन चैनल पर, वीडियो में भी बताया था, मौसम चेंज हो रहा है तो आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए, हाइड्रेटेड के लिए पपीता हो गया, आपके जूसेस हो गए और वाटर इंटेक होगी, इसको बढ़ा के रखना। पहले हम पपीता खा लेते हैं फिर मैं मिलता हूँ, वरना ये ख़त्म कर देगी जल्दी। गाइस कैसा है पपीता, मीठा है? गाइस आपके वाला कैसा है, ज्यादा मीठा है? तो बहुत मीठा है। नहीं इनके वाला ज्यादा मीठा लग रहा है, मैं इनके वाला उठा लेता हूँ। चलो पहले गाइस हम ये खा ले फिर मिलते हैं। शायद ब्लैक दिख रहा होगा पूरा। तो गाइस हमने पपीता अपना खा लिया है और अभी हम पीने जा रहे हैं जूस। देखो मैंने स्पेशली बोला है हाइड्रेटेड रहो, जितना ज़्यादा अच्छा खाना, बाहर का खाना नहीं, जितना भी ज़्यादा आप अच्छा खाना खा सकते हो उतना ज़्यादा खाओ। तो गाइस आप उनको क्या खिला रहे हैं जिराज? देखो यार इतनी सारी शॉप्स हैं यहाँ पर खाने पीने की, बर्गर पिज्ज़ा मोमोज और भी सब कुछ मिल जाएंगे, इनमें से भी कुछ ट्राई करा दो ना। मतलब तो नहीं, ये सब चीज़ें नहीं, अवॉइड करो जितना ज़्यादा हो सकता है बाहर का खाना अवॉइड करो। देखो अगर मजबूरी भी है ना तो फिर भी कुछ ऐसी चीज़ चूज़ करो जिसमें कैलोरीज कम हो और ऑयली कम हो, मतलब ना के बराबर ही हो, तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप हेल्दी खाओ। अभी हम पीने जा रहे हैं जूस और भाई ये है हमारा हडसन लेन, यहाँ पर आपको मतलब ये नॉर्थ कैंपस में आपको मिल जाएगा हडसन लेन, यहाँ पर आपको सभी टाइप्स की शॉप्स मिल जाएंगी। ये आपका बेसिकली जो पूरी लाइन है ना ये आपकी है रेस्टोरेंट वाली, कैफेज रेस्टोरेंट्स बार्स, ये यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप थोड़ा पार्टी करना चाहते हो, बर्थडे पार्टी या कोई भी आप फन करना चाहते हो, कुछ खाना पीना चाहते हो, साथ साथ आपको मैकडी भी मिल जाएगा, यहाँ पर रूम्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पर सब चीज़ें आपको मिल जाती है। एक नॉर्थ कैंपस में एक कमला नगर और एक हडसन लेन, ये दो ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपको खाने पीने की फन करने का ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। गाइस फाइनली मार्केट में तरबूज भी आ गए हैं, तरबूज आप यहाँ से, हाँ ये ना ये मतलब हडसन लाइन से अगर उधर आओगे तो यहाँ पर बीच में चौक पे यहाँ पर आपकी फल की मार्केट है पूरी, तो आप फल ले सकते हो यहाँ से, तरबूज ले सकते हो। हम अभी थोड़ा आगे जा रहे हैं, वहाँ पर पुलिस लाइन का जो मेन गेट है ना वहाँ पर एक जूस वाला है, बिल्कुल फ्रेश और मस्त जूस देता है, पुलिस लाइन के गेट के सामने ही है मेनली, जो परेड वाला ग्राउंड है ना, ये वाला जो परेड ग्राउंड है हडसन लेन से थोड़ा सा आगे, वहाँ पर फ्रेश जूस मिलता है मौसमी का, आई थिंक गाजर का और इन सब चीज़ों का मिलता है, मैंने मौसमी का पिया है कहीं काफ़ी बार, मैं इन सबको आज ले जा रहा हूँ कि तुम्हें फ्रेश जूस पिलाता हूँ, ये पीते हैं वहाँ से बर्फ़ वाला वो फ्लेवर वाला, आज बस मस्त फ्रेश जूस पिलाऊंगा उनको, फिर देखते हैं मज़ा से आने वाले हैं। और बाकी भाई ये वाली जो रोड है ना, देखो यार वैसे भी सरकारी चीज़ है यहाँ पर, तो पुलिस लाइन है ये पूरा, तो ये वाली तो रोड भी थोड़ी मस्त है अंदर आपका, ठीक है। चलो हमारा जूस वाला आने वाला है, पहले हम उसके पास पहुँच जाए। पहुंच चुके हैं, ये जो परेड ग्राउंड है ना उसके सामने भैया यहाँ पर खड़े होते हैं, वो हमें पहले बता दो कौन मौसमी का जूस मिलता है भैया के यहाँ पर, बता दो कौन कौन से हैं। हाँ भाई बहुत सारे ऑप्शन है, 20, 30, 50, 40, 60 कौन सा है, बहुत सारे ऑप्शन है, आप कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं। देखो यहाँ पर फ्रेश जूस मिलता है भैया, फ्रेश है ना एकदम, भाई भाई के पास आप आ सकते हो एकदम फ्रेश जूस, कौन सा लेना है भाई? मेरा 50 वाला कर दो भाई, मैं लूंगा 50 3 पीस वाले का, तो 1,000, ठीक है भाई अब हमारा जूस बनने वाला है। फाइनली हमारा जूस आ गया, मतलब इनका जूस आ गया और ये टेस्ट कर रहे हैं। गाइस हाउस डज फील फॉर यू, अच्छा क्या मज़ा आ गया। तो भैया के यहाँ से हमने जूस लिया और ये परेड ग्राउंड के सामने आप भी ले सकते हैं, दूसरे वाला भी है मैंने शायद पहले वहाँ से पिया था, वो भी सेम ही है, दोनों का आप जिससे मर्जी ले सकते हैं, ये वाला अच्छा हो, अगर आपको चाय पीनी है तो आप यहाँ से पी सकते हैं, मेरा जूस बनने वाला है। फाइनली गाइस मेरा भी जूस आ गया है, मतलब मेरा मौसमी वाला जूस आ गया है मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ, मेरा वाला जो गिलास था वो भी आ गया, यहाँ से लिया था। अर्धा संजय उस भाई की हेल्प कर रहे हैं, उसको सर दर्द हो रहा था, उसको सर दर्द गया, संजय आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। सो हेयर वी आर एट ट्रैफिक जैम, जूस शेक आइसक्रीम, सो यहाँ से लिया है हमने अपना ट्रैफिक जैम, काफ़ी फ्रूट्स और काफ़ी चीज़ें जिसमें, सो कैसा लगा ये?
अच्छा है। सो हमने यहाँ से एक ही लिया है क्योंकि हमने तो अभी जूस पिया था और पपीता भी खाया था, तो काफ़ी पेट भरा हुआ है, मेरा भी पेट भरा हुआ है। संजय आपका भी पेट भरा हुआ है ना अभी? पेट भर गया आपका भी? आप टेस्ट कर सकते हो, अच्छा लग रहा है, मज़ेदार है। मैं टेस्ट 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 तो बनता है। गिरा दो गिरा दो। अच्छा है ना, मस्त है भाई। मैं संजय अच्छा बता रहे हैं, हमें टेस्ट तो करना ही चाहिए एक बार। तो टेस्ट करते हैं, हाउ इज दिस टेस्टी। फैन ऑन एंड हियर वी हैव अ बिग फैन। टेंशन है गाइस, अब हमारा लंच टाइम चल रहा है। मैं आज लंच में लेके आया था बैंगन का भरता और रोटियां, भाई हमारे लेके आए आलू के पराठे, और भाई ने ऑर्डर किया। भाई आपने क्या ऑर्डर किया है एक्सप्लेन कर। फ्री का मिल गया था वहाँ। अच्छा फ्री का, अरे ना बाहर भंडारा हो रहा था तो अप्लाइड नो सो हाँ अच्छा ये तो फ्री का मिल रहा था तो हमने ऐसे ही ले लिया, मतलब साथ में ऐसे मिल रहा था। अरे ये छुपाओ छुपाओ छुपाओ, ये दिख गया था तो ये हमें फ्री का मिला। एंड हेयर वी हैव, हमारे पास यहाँ पर क्या है एक्सप्लेन कर दो प्लीज़। टिंडे की सब्जी, प्याज का पराठा, और ये रहा सबसे महंगा लंच। ये देखो, अगर आपको इसको खाना चाहता है तो बता सकता है। ये वेज में आता है वैसे? ये वेज में आता है, आपको कोई अगर खाएगा तो वेज में आएगा। यस, और एक हमारे पार्टनर आ गए भाई, आ गए प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए, लड़के आ गए हैं। सो हेयर वी हैव अ केमिस्ट्री फ्रेशर्स, मतलब ये प्रिपरेशन चल रही है, कुछ इन्होंने ऐसा लगा रखा है भाई साहब, काफ़ी सही है, अच्छा लग रहा है। ये ऐसे ऐसे इधर से अभी तो पूरी प्रिपरेशन, मतलब अभी तो स्टार्ट ही किया है इन्होंने, सजाना बहुत अच्छे से सजाएंगे सब कुछ। ये डांस प्रैक्टिस चल रही है इनकी, आई थिंक ये हिमाचली डांस है। और इधर हमारी बी टेक वाली बिल्डिंग पीछे, और अभी तो तैयारियां कर ही रहे हैं सब। फाइनली गाइस कॉलेज ओवर, और अभी हम जा रहे हैं कुछ चाय पीने सुदामा के पास। लेकिन यहाँ पर अगर हमें देखें तो यार जाम लगा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का जाम लगा हुआ है। पहले मैं बाइक पे जाने वाला था, बट जैसे हमने ये देखा कि इतना बुरा जाम लगा हुआ है, बाइक तो मैंने डिपार्टमेंट में ही लगा दी, बट जाम किस चीज़ का, तुम्हें क्या लगता है कौन आ रहा है? मैं तो यहाँ हूँ, जाम वहाँ पर क्यों लगा हुआ है? इन लोगों ने भीड़ लगा दी क्या मेरे? दे दूँ मैं यार ऑटोग्राफ, दे दूँगा, तुम्हें चाहिए ऑटोग्राफ बेटा, अभी ले लो। बट ऑटोग्राफ किसी दिन गलती से फेमस फेमस हो गया ना, तुम्हारे जैसे बच्चे लाइन में लगेगा ऑटोग्राफ। वाह, मेरे साथ फोटो ले लो, फोटो में तुम्हें फिर वो रहेगा, दिखा दे, तुम बहुत कमीशन खा लो। हाँ यहाँ से स्क्रीन शॉट लेना, उसमें मिल जाएगा लेंथिंग में। तो अब धीरे धीरे गाड़ियाँ चलने लगी है, हम भी इधर इधर से चलते जा रहे हैं। मैं मेन चौक पर जाके बताता हूँ जाम किस चीज़ का है। गाइस बहुत खतरनाक ट्रैफिक हुआ हुआ है, पता नहीं। हाँ हाँ, अरे ट्रैफिक लाइट काम नहीं कर रही शायद ये वाली, देखो कोई सी भी नहीं चल रही है वहाँ पर, वो वाली वो भी नहीं चल रही है। और ट्रैफिक पुलिस आई हुई है उधर, उधर रेस लगने वाली है BMW वर्सेस सियाज वर्सेस नहीं सॉरी सिटी एस, और अच्छा बलिनो उसने तो घेर ही लिया है ये वाला बेकार। गाइस यहाँ पर हमारी ट्रैफिक पुलिस, जाबाज पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को क्लियर करवा रही है। और ये बच्चे इधर से घुसे जा रहे हैं, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं यार ये लोग। अरे यार वो बस ना बहुत आगे जाके खड़ी हुई है, या तो उसको पहले निकाल दो या मुड़ जाए वो, जैसे भी हो जाए। सो फाइनली एट सुदामा गाइस, और रोड इतनी भरी हुई है हमें क्रॉस करने का टाइम नहीं मिल रहा है, इधर जाम लगा हुआ था ना उस चौक पर, और अब हम क्रॉस करेंगे। चलो अरे नीचे पीछे आ जाओ, जब भी कुछ होगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पूरा जाम पूरा भर भर के लगा है भैया, हमें बचा देना भैया, इसके ऊपर चढ़ा दो, बट इसके ऊपर चढ़ा सकते हो आप, चढ़ा दो भैया, चढ़ा दो भैया, 5-10 रुपये दूंगा, चढ़ा दो उसके ऊपर बस, आप एक बार जाके जाओ गाइस, चाय लेके आओ जाओ गाइस। फाइनली गाइस तो हमारी चाय आ चुकी है, तो गाइस फाइनली हमारी चाय आ चुकी है, अब हम पी के बताते हैं कि चाय कैसी है। भेजी अभी कैसी लगी? एकदम नाइस, थोड़ी मीठी है लेकिन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। अब मैं पी के बताती हूं कैसी है। अच्छी है पर अच्छी है वैसे भाई, उधर पंगा हो गया शायद, कुछ मारा काटी हो गई है यार। मैं एक मिनट, मेरी चाय पकड़ना, मेरी चाय पकड़ो एक बार यार। मेरा ना मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो दो ड्रम रखे हुए हैं, मैं भैया से पूछना चाहूँगा, मतलब मेरे ना दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कभी ये ड्रम गिरे हैं या फिर इनमें कोई बच्चा गिरा है, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है। अभी तो खैर यहाँ पर कुछ आपस में घमासान सा हो रहा है, मैटर हो गया आपस में, मैं कितना पूछना चाहूँगा भैया से कि कोई बच्चा ऐसे गिरा है या नहीं गिरा। अभी तो नहीं पूछ सकता, अभी तो भैया का खुद ऐसे मैटर का चल रहा है, किसी और दिन पूछूंगा। सर बिग फैन, ये
अरे जुमिन जुमिन घुसा दे घुसा दे, मुंह में डाला, मुंह में मार दे मार। क्या पियोगे मालिक बताओ? मैं अदरक का जूस पीना चाहता हूँ। अदरक का टेस्ट नहीं आता ना मुझे। कहाँ हाथ लगा रहे भैया? नीचे नीचे थोड़ा नीचे। मेरी कमर में दर्द। अच्छा अच्छा अच्छा, सदा सुखी रहो दोनों, ऐसे ही जोड़ी बनी रही तुम्हारी। गाइस अभी हमारा दोस्त संदीप आ चुका है। फोर्थ चाय है तुम्हारी? मेरी तो खैर फर्स्ट है, तुम्हारी फोर्थ चाय है? ऐसा कुछ नहीं, मेरी दूसरी चाय है। दूसरी चाय? नहीं, घर पे नहीं बनती चाय हमारे। हमारे घर चाय नहीं बनती।